श्री हरि ओम पांडे भारत का देश है। लोकतंत्र के इतिहास में यह हमारे देश की प्रणाली रही है जो कि गांव पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत और जिला पंचायतों का विकास उत्तरोत्तर होता जा रहा है। हमारे मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, हमारे उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर में अभी तक 1735 ग्राम सभाओं में सिर्फ 96 गांवों में सिर्फ लैपटॉप के माध्यम से यह पहुंचाया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत स्तर पर लागू की जा रही योजनाओं के उचित क्रियान्वयन की सेटेलाइट ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए संबंध में कोई भी प्रावधान किया गया है क्या? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है प्रधान? माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायतें निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक तौर से लोकतंत्र के इस संस्थान को अगर हम ताकतवर बना दें तो निश्चित रूप से काफी अच्छा काम हो सकता है। पिछले दिनों सारे देश के ध्यान में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को माना और 2.5 लाख पंचायतों को 5 वर्ष में जो 65,000 करोड़ रुपया मिलता था उसको बढ़ाकर 2,92,000 करोड़ रुपया किया। पंचायतें आर्थिक रूप से सक्षम हो, लेकिन पंचायतें तकनीकी रूप से सक्षम हो, पंचायतें पारदर्शिता से काम कर सके, पंचायतों को टेक्निकल सपोर्ट मिल सके, पंचायतों का ठीक प्रकार से प्रशिक्षण हो सके, इस दिशा में केंद्र सरकार लगातार चिंतित है। सारी पंचायतें ई पंचायत के रूप में विकसित हों, इसलिए ई पंचायत मिशन मोड परियोजना हम लोगों ने लागू की है और इसके तहत लगातार काम चल रहा है। अब तक लगभग 81,000 पंचायतें ऐसी बची हैं जिनमें कंप्यूटर इत्यादि की व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसको भी लगातार हम कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त भी जो सपोर्ट तकनीकी रूप से चाहिए वो तकनीकी रूप से सपोर्ट भारत सरकार देने के लिए तैयार है। राज्य सरकारें इस दिशा में काम कर रही हैं, लेकिन यह कार्यक्रम पहले नहीं था इसलिए यह धीरे धीरे चल रहा है। मैंने अपने उत्तर में भी बताया है कि दूरसंचार विभाग को प्रधानमंत्री जी ने ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का निर्देश दिया। 2014 में जब हम लोग सरकार में आए थे तब मात्र 56 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछा था, अब 1 लाख से ज्यादा पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से युक्त हो चुकी हैं, कनेक्टिविटी जुड़ रही है और 2019 तक ये 100% हो जाए, इस दिशा में सरकार पूरी तरह प्रयत्नशील है।